हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चनक्टा डिफेंस ग्रुप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से चनक्टा डिफेंस ग्रुप जो बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर सिक्स क्लास के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो बच्चे आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे के पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे सैनिक स्कूल के, वो सारे के सारे कवर करेंगे यूट्यूब के ऊपर। हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, डेली तीन क्लासेस हुआ करेंगी, एक क्लास आपकी इंग्लिश की होगी, एक क्लास जीके की होगी एंड एक क्लास आपकी मैथमेटिक्स की होगी। जैसे इनमें से कोई भी मॉड्यूल खत्म होगा, नाउ टेक एग्जांपल कि आपका इंग्लिश का मॉड्यूल खत्म हो गया, तो जैसे इंग्लिश का मॉड्यूल खत्म होगा तो उसके बाद में आपके साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी। नॉट टेक एग्जांपल कि आपका जीके का मॉड्यूल खत्म हो गया, जैसे आपका जीके का मॉड्यूल खत्म होगा तो आपकी इंटेलिजेंस की क्लास होगी। तो हम प्रॉपर जितनी भी हमारी सैनिक स्कूल के अंदर सब्जेक्ट्स हैं सिक्स क्लास के लिए, वो सारे के सारे प्रॉपर आपके कवर किए जाएंगे। कुछ भी हम ऐसा नहीं है कि जो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर छोड़ेंगे, राइट? तो ये सब बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि दे प्रिपेयर फॉर द सैनिक स्कूल फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आर यूट्यूब चैनल चनक्या डिफेंस ग्रुप। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिलेबस की कि सिक्स क्लास का जो सैनिक स्कूल है इसके लिए हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मैथ्स। मैथ्स के अंदर क्या रहता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं बेटा एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है, राइट? 50 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल बन गया आपका 150 मार्क्स। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी जर्नल साइंस। जनरल साइंस के अंदर क्या रहेगा बेटा आपका, इसके अंदर आपकी जीके भी रहेगी प्लस साइंस भी रहेगी, दोनों की दोनों चीजें रहेंगी। यहां पर बेसिकली जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 25 देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका टोटल 50 मार्क्स। इसके बाद में बेटा एक लैंग्वेज का एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी क्या होता है बेटा, 25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, अगेन ऑफ 50 मार्क्स। इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटेलिजेंस, राइट? इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा आपका, अगेन बेटा 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, अगेन 50 मार्क्स। अगर हम पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा आपका टेस्ट आता है ये आपका 300 मार्क्स का आता है। ये किसके लिए बेटा, ये है आपका सैनिक स्कूल, जो बच्चे सिक्स क्लास के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं ये उनका पैटर्न है। जो बच्चे नाइन्थ क्लास के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनका डिफरेंट पैटर्न है। उनके पैटर्न के अंदर क्या रहता है कि जो मैथ्स है वो 200 मार्क्स का होता है, उनके अंदर साइंस एंड जीके दोनों अलग अलग आती है, बट सिक्स क्लास के एडमिशन के अंदर साइंस एंड जीके दोनों कंबाइन आती है। तो दोस्तों, मैं शिवम आप लोगों को जीके टीच करता हूं, सो आज हम बहुत ही बेसिक जो जीके है उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीके है उसके अंदर क्या क्या होता है, राइट? जीके के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इन सब चीजों को पहले तो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में लेक्चर की शुरुआत करेंगे। बेटा, अगर मैं जीके की बात करूं अकॉर्डिंग टू सिक्स क्लास सैनिक स्कूल, अगर मैं सिक्स क्लास सैनिक स्कूल की जीके की बात करूं तो जीके के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी, तो बेटा जीके के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होगा ज्योग्राफी, राइट? ज्योग्राफी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी के बाद हम आपकी स्टडी करेंगे हिस्ट्री को, कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो स्टडी करेंगे। इसके बाद में स्टडी करेंगे सिविक्स को, जिसको हम पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो चीजें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके सैनिक स्कूल के अंदर, तो जीके के अंदर बेसिकली इन सबको हम आपका स्टडी करके चलेंगे। तो बेटा, आज से जो हम अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, ये लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी से। बहुत जो ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं उनसे हम शुरू करेंगे, फिर डे बाय डे हम ज्योग्राफी के अंदर डीप एंड डीप की स्टडी करते चले जाएंगे, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी है क्या बेसिकली, अगर बेटा मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को स्टडी करते हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या है बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब कि हमारी गैलेक्सीज क्या है, हमारे यूनिवर्स क्या है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, हमारे वॉल्केनोस कैसे बनते हैं, हमारे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं आपके फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इंडियन रिवर सिस्टम,
इंडिया के अंदर प्लेट्यूज कहां पर है, इंडिया के अंदर माउंटेन्स कहां पर है, इंडिया के अंदर कौन कौन से फूड ग्रेन्स होते हैं, कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं, ये सब चीजें हम कहां पर स्टडी करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। अगर बेटा मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करेंगे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स को एंड 5 ओशंस को। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाते बिकॉज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो वो इंडियन ज्योग्राफी से होंगे या फिर वो आपके फिजिकल ज्योग्राफी से होंगे। सो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कुछ फिजिकल फीचर्स है हमारे इंडिया के, उनको हम एक बार स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बेटा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो हमें मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे फिर उसको स्टडी करेंगे। तो बेटा मैं यहां पर एक रफ स्केच इंडिया का जो मैप है वो ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी अपने घर पर बैठ के इसको ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करना आना ही चाहिए। आपको फर्दर जॉब आप स्टडी करोगे, टेक एग्जांपल की मान लो कोई बच्चा है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर जाना चाहता है तो वहां पर भी मैप की जरूरत होती है। अगर मान लो कोई बच्चा है वो आईएएस की तैयारी करना चाहता है आगे जाकर, वहां पर भी मैप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके सामने एक इंडिया का मैप। मैंने यहां पर बोला है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब है कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है इंडिया के अंदर, इसको स्टडी करेंगे। एंड कौन से इंडिया के पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं ये भी हम इस मैप के अंदर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस साइड को। बेटा यहां से लेकर यहां तक जो ये पार्ट है इंडिया का, दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टर्न घाट। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज वेस्टर्न घाट। ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस पार्ट इज नोन एज ईस्टर्न घाट। इस पार्ट को इंडिया को हम ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। बेटे यहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग बताओ कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आपस में मीट कर रहे हैं, राइट? ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं सर स्कूल में एंड आगे भी पूछे जाएंगे। तो बेटा जिस पॉइंट के ऊपर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आपके मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट इज नोन एज नीलगिरी हिल्स। उनको हम आपके नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। बहुत फेमस हिल्स है बेटा ये आपके पेनिनसुला इंडिया के अंदर। अब देखो बेटा जो बीच में ये आपके इरेगुलर ट्रायंगल बन गई है, राइट? दिस इज अ इरेगुलर ट्रायंगल। दिस इरेगुलर ट्रायंगल इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। अब बेटा ये प्लेट्यू क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्लेट्यू का मतलब नहीं पता होगा, ये प्लेट्यू होते क्या? सबसे पहली बात कि जो प्लेट्यू होते हैं इनको हम हिंदी के अंदर पठार कहते हैं, राइट? पठार कहते हैं हम अपने प्लेट्यूज को। अब बेसिकली यहां पर मैंने बात की कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेट्यू, प्लेट्यू है क्या? बेटा प्लेट्यू का मतलब कोई भी ऐसा लैंडमास, कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा जो आपके प्लेन एरिया से 100 से 150 मीटर ऊपर हो एंड ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो, दैट इज नोन एज प्लेट्यू। जस्ट लाइक अ टेबल, जैसे आप सब लोगों के घर पे टेबल्स होंगे। टेबल क्या होता है? वो जमीन से 100 से 150 मीटर ऊपर होता है एंड ऊपर से बिल्कुल प्लेन होता है, ऐसे एरिया को हम कहते हैं आपके प्लेट्यू। तो दिस होल पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट बेटा ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, दिस इज नोन एज थार डेजर्ट। यहां पर आपके डेजर्टिक एरिया है, हिंदी के अंदर हम इसको मारुस्थल कहते हैं, तो दिस इज नोन एज द थार डेजर्ट। बेटा ये वाला एरिया पूरा का पूरा, दिस होल एरिया, दिस इज नोन एज हिमालयस। यहां पर हमारे सारे के सारे माउंटेन्स है, सो दिस एरिया इज नोन एज हिमालयस। यहां पर बेटा एक बीच में एरिया बच गया, राइट? खाली एरिया आपको दिख रहा होगा, तो इस एरिया को हम कहते हैं इंडो गगनेटिक प्लेन। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेन एरिया है एंड ये सबसे उपजाऊ भी एरिया है, राइट? इंडो गगनेटिक प्लेन। अब बेटा इंडिया के अंदर कुछ फेमस रिवर्स हैं, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन कौन से रिवर्स कहां कहां पर है एंड वहां उनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, ओरिजिन कहां से होता है एंड उनका एंड पॉइंट कहां पर है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं एक रिवर को। एक रिवर हमारी यहां से ऐसे करके निकलती है, लाइक दिस। दिस रिवर इज नोन एज द इंडस रिवर। इस रिवर को हम इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। बेटा एक रिवर आपकी यहां से निकलती है लाइक दिस वे एंड इट गोज लाइक दिस। दिस रिवर इज नोन एज द गंगा रिवर। इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। एक रिवर बेटा आपकी अगेन यहां चाइना से ओरिजिनेट होती है,
फिर ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, असम में जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर आगे ये बांग्लादेश में चले जाते हैं। दिस रिवर इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बेटा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये चाइना से ओरिजिनेट होती है, एंड बेटा इसी ब्रह्मपुत्र रिवर का चाइना के अंदर नाम है यारलुंग त्सेंगपो। यारलुंग त्सेंगपो ऑलरेडी बेटा ये आपके सैनिक स्कूल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर को हम चाइना के अंदर क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को हम चाइना के अंदर कहते हैं यारलुंग त्सेंगपो। एक बार बेटा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो आपकी ये यारलुंग त्सेंगपो है यानी कि ब्रह्मपुत्र, इसको हम बांग्लादेश के अंदर क्या कहते हैं, तो इस रिवर को हम बांग्लादेश के अंदर नाम देते हैं जमुना का। इन बांग्लादेश दिस रिवर इज नोन एज जमुना। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग कई बार स्टडी में मिस कर सकते हो, बट इनको मिस नहीं करना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं इस तरफ बात करूं ये वाले एरिया की, यहां पर बेटा एक वाटर बॉडी है, राइट, यहां पर पूरी की पूरी कैसे करके हमारी वाटर बॉडी है। इंडिया के तीनों जो नीचे का हिस्सा है इंडिया का, वहां पर आपको हमेशा पानी ही पानी नजर आएगा, चाहे आप इंडिया के साइड पर देख लो, चाहे आप इंडिया के नीचे वाली साइड पर देख लो, आपको हमेशा यहां पर बिल्कुल वाटर ही नजर आएगा। तो यहां पर जो वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी इज नोन एज अरेबियन सी। इसको हम अरेबियन सी के नाम से जानते हैं बेटा। जो वाटर बॉडी आपको यहां पर नजर आएगी, दिस वाटर बॉडी इज नोन एज बे ऑफ बंगाल। इसको हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं बेटा। जो वाटर बॉडी आपको नीचे नजर आती है, दिस इज नोन एज द इंडियन ओशन। इसको हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो वाटर बॉडी आपकी बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर है, इस वाटर बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा। इस वाटर बॉडी के अंदर हमें दिखाई देते हैं हमारे आइलैंड्स। दो बहुत ही फेमस इंडिया के आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड का नाम है अंडमान, दूसरे का नाम है निकोबार। तो बेटा ऊपर हमें दिखाई देता है ऐसे करके अंडमान, यहां पर थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो थोड़ा टाइटली लिख रहा हूं। नीचे है बेटा हमारे पास निकोबार, ऊपर कौन सा है अंडमान, नीचे है हमारे पास निकोबार। इसी तरीके से बेटा अरेबियन सी के अंदर भी दो फेमस आइलैंड्स है हमारे पास, एक है बेटा लक्षद्वीप, ऊपर हमें दिखाई देता है लक्षद्वीप, नीचे दिखाई देता है बेटा मिनिकोय। ऊपर है लक्षद्वीप, नीचे है मिनिकोय। अब बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को यह क्लियर होना चाहिए कि आइलैंड होता क्या है बेटा। आइलैंड का मतलब होता है कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय अ वाटर फ्रॉम द ऑल द साइड्स। कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसकी चारों तरफ पानी ही पानी हो, दैट एरिया इज नोन एज आइलैंड। इसी तरीके से हमारा जो ये अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, दीज आर द आइलैंड्स। देखो ना चारों तरफ इसके पानी है, बीच में एक जमीन का टुकड़ा है, राइट, सेम विद द लक्षद्वीप एंड मिनिकोय। ओके अब बेटा अंडमान निकोबार जो ये आइलैंड्स है, इनके बीच में ना एक वाटर बॉडी है, राइट, मतलब अंडमान एंड निकोबार जो है ये सेपरेट है एक दूसरे से। क्यों सेपरेट है? बिकॉज इनके बीच में यहां पर एक पानी वाली बॉडी है, एक वाटर बॉडी है। दैट वाटर बॉडी इज नोन एज 10 डिग्री चैनल। इसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। नीचे बेटा यहां पर है लक्षद्वीप एंड मिनिकोय, यहां पर भी एक दो आइलैंड्स है, ऊपर है लक्षद्वीप, नीचे है मिनिकोय। इनके बीच में भी एक वाटर बॉडी है, दैट इज नोन एज 9 डिग्री चैनल। इसको हम 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ओके सो बेसिकली बेटा ये थे आपके आज का टॉपिक हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी चीज समझ में नहीं आई होगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मतलब कि कल आपको इसका आंसर जो है वो जरूर दूंगा। सो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, आज की जीके क्लास को। इसके बाद में आपकी इंग्लिश की क्लास भी होगी एंड आपकी मैथ की क्लास भी होगी। तो डेली हमारे चैनल जो है चाणक्य डिफेंस ग्रुप, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जो है वो क्लिक कर लेना। बेल आइकन को जब आप क्लिक करते हो तो क्या रहता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाती है जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी। तो हम लोग डेली पोस्ट करेंगे 6 क्लास के सैनिक स्कूल की प्रेपरेशन के लिए प्लस आरएमएस की प्रेपरेशन के लिए वीडियोस। एंड ये पूरे की पूरी जो वीडियोस है ये हमारी 3-4 मंथ चलेगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग क्लासेस हमारी, राइट, या एक्स वाई जेड किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो।